राजकुमार कोहली ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एज ए प्रोड्यूसर साल 1972 में मूवी गोरा और काला से की। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी और रेखा शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। राजकुमार कोहली की एज ए डायरेक्टर साल 1973 में मूवी आई कहानी हम सब की। इस मूवी के लीड कास्ट में ललिता पवार और माला सिन्हा शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1976 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई नागिन। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, फिरोज खान, रीना राय और जितेंद्र शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1979 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई जानी दुश्मन। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार और रीना राय शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1979 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई मुकाबला। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय और बिंद्या गोस्वामी शामिल थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। साल 1982 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बदले की आग। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र और रीना राय शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1983 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई नौकर बीबिका। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अनीता राज और रीना राय शामिल थे और ये मूवी कलेक्शन के हिसाब से हिट रही। साल 1984 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई राज तिलक। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1984 में ही इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई जीने नहीं दूंगा। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर शामिल थे और ये मूवी कलेक्शन के हिसाब से हिट रही। साल 1987 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई इंसानियत के दुश्मन। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1988 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई इंतकाम। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और किमी काटकर शामिल थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई साजिश। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कवाडिया और अनीता राज शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में ही इनकी अगली मूवी आई 20 साल बाद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कवाडिया और मीनाक्षी शेषाद्री शामिल थे। यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1990 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई पति पत्नी और तवायब। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सलमा आगा, फराह नाज और सुमित सहगल शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1992 में इनकी अगली मूवी आई विरोधी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, अरमान कोहली और अनीता राज शामिल थे। यह मूवी भी कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। साल 1993 में इनकी अगली मूवी आई औलाद के दुश्मन। इस मूवी के लीड कास्ट में अरमान कोहली और आयशा जुल्का शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में इनकी मूवी आई कहर। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अरमान कोहली और सोनाली बेंद्रे शामिल थे और यह मूवी कलेक्शन के हिसाब से एवरेज रही। साल 2002 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई जानी दुश्मन। इस मूवी के लीड कास्ट में अरमान कोहली, मनीषा कोइराला, सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, राज बब्बर और आदित्य पंचोली शामिल थे और ये मल्टी स्टारर मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के हिसाब से फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको राजकुमार कोहली द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। राजकुमार कोहली की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।